कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग अपने हितों का ध्यान रखें ना रखें, अपने हितों का ध्यान रखा हो ना रखा हो, विपक्ष के हितों का ज्यादा ध्यान रखा है। ऐसा लगा है कई सीटें उन्होंने विपक्ष की गोद में डाल दी हैं कि जाओ खेलो। जो बंगाली बाबू भी है या सही माने वो बिहारी बाबू, अब हिंदुस्तानी बाबू है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। कि वो 400 पार आते हैं कि 200 पार क्या 150 पार भी लड़खड़ा जाते हैं। बिहारी बाबू खामोश। बीजेपी का जो कैंडिडेट खड़ा हुए पवन सिंह, उन्होंने ट्वीट किया आसनसोल से लड़ने का उसको इच्छा नहीं है, क्या बताएंगे इस बारे में? मैं तो देखिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, सुना है वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे सिंगर हैं, और हमारे कई लोग जो हैं परिचित जो हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। मैं ऐसे भी जानते किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ही बोलते हैं। अगर ये उनका निर्णय है या उनकी पार्टी का निर्णय है, वह सही मानों में उनका इंटरनल अफेयर है। और तो पूछ रहे, इससे पहले बीजेपी से खड़ा हुआ था अग्निमित्रपाल, उनको आपने हराया, इस बार बीजेपी से खड़ा हुआ पवन सिंह, क्या बोर्ड में कैसा? देखिए मैंने किसी को नहीं हराया है, मैं तो माध्यम हूँ। हार जीत का निर्भर करता है आसनसोल बंगाल की जनता जनार्दन पे और हमारे सबसे मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री ऑनरेबल CM ममता बनर्जी के नेतृत्व पे। उन्होंने नेतृत्व दिया, उनका गाइडेंस था, तमाम TMC का सपोर्ट था, और सबसे ज़्यादा कि हमारे जनता जनार्दन को ये पसंद आया फैसला ममता जी का। उसका परिणाम देखा आपने कि मिड टर्म इलेक्शन में जो जीत हुई हम लोगों की, वो सही माने में एक ऐतिहासिक जीत थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। इस बार भी ऐसा लोगों का मानना है कि ये जीत जो होगी वो शायद पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ते हुए एक नए जीत की तरफ चलेंगे हम लोग लेकर। लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ दूँ, जिस बात को आप सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, वो ये कि बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं हमारे मित्र दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने इस बार के चुनाव में, जिस तरह की सीटें उन्होंने अनाउंस की हैं, अधिकांशतः सीटों को देखकर ऐसा लग रहा है, एक तरफ तो लग रहा है कि NDA और भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों की बड़ी बौखलाहट है, घबराहट है, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और दूसरी तरफ दिख रहा है जिस तरह उन्होंने सीटें काटी हैं, दिल्ली में बताइए 7 सीटों में से 5 सीटें उड़ा दी। उसके बावजूद कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सीटों का इस बार चयन हुआ है और उन्होंने निर्णय लिया है, अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा सीटें ऐसे दिख रही हैं कि जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी या NDA के लोग अपने हितों का ध्यान रखें ना रखें, अपने हितों का ध्यान रखा हो ना रखा हो, विपक्ष के हितों का ज़्यादा ध्यान रखा है। ऐसा लगा है कई सीटें उन्होंने विपक्ष की गोद में डाल दी हैं कि जाओ खेलो। बिहारी बाबू बोल रहे खड़ा हुआ है, कौन है? पवन सिंह। अरे अच्छी बात है, क्यों नहीं, सब लोकतंत्र है भाई, सबको खड़ा होने का अधिकार है, क्यों हमारे? इसलिए तो मैं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने आपको अगर याद हो पिछली बार अग्निमित्रपाल जी, अभी नाम ले रहा हूँ, पिछली बार तो मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था। मैं तो कहता हूँ भाई लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ सकता है। और बिहारी बाबू का जहाँ तक सवाल है, अभी तो लोग कह रहे हैं कि ओरिजिनल सामने अगर एक और एक ही बिहारी बाबू है, जो अब बंगाली बाबू भी है या सही माने वो बिहारी बाबू, अब हिंदुस्तानी बाबू है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। पवन बिहारी बाबू से कि शत्रुघ्न बिहारी बाबू भाड़ी पर गया, क्या बात है? कहाँ सब अपने परिवार के ही हैं, अच्छे लोग हैं। सर लोकसभा चुनाव में हमेशा से EVM का सवाल उठता रहा, इस पर क्या? हम अभी भी उठा रहे हैं। अभी हमने जो कहा था पिछली बार, जो बंगाल में भी जिस तरह सीटें जीती थी उन्होंने, 70-75 सीटें जो जीती, वो कुछ न कुछ तो उसमें खेला हुआ है। आसनसोल से मोदी जी आने के बाद वोट का प्रचार अलग हो जाता है, इस बार भी क्या कुछ है मोदी जी अगर आएगा तो? अभी आए, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है, वो देश के गार्डियन है भाई, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये इनका फ्रस्ट्रेशन बकरा, कहने को कुछ है नहीं, वही घिसे पिटिए, वही राग अलाप रहे हैं, महंगाई पे बात करते नहीं है, डॉलर और रुपए की गिरावट पे और डॉलर की ऊंचाई पे बात करते नहीं है, पेट्रोल डीजल पे बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी पे बात करेंगे नहीं, इतना देश में हाहाकार है उस पे बात करेंगे नहीं, वो घुमा के या तो समाज को डिवाइड करने की बात करेंगे या मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। तो अब ये सब लोग पक चुके हैं, अब जो है पक गए हैं,
अब बोलते रहे, आज कहते हैं कि संदेश खाली पे उनको शर्म आती है। यहाँ आगे बोलते हैं हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर पे शर्म नहीं आती है उनको। मणिपुर का मामला हुआ, इतने सारे और कांड हुए देश में, उस पर तो बोलते नहीं। मणिपुर का तो एम नहीं बोलते हैं वो, चाइनीज का आक्रमण का, चाहे खबरें जो आई हैं देश में, लोग के इतने अंदर घुस गए, उस पर शर्म नहीं आती, उस पर बात करते नहीं। बहरहाल अब देश की जनता जो है इस बार फैसला कर देगी कि वो 400 पार आते हैं कि 200 पार, क्या 150 पार भी लड़खड़ा जाते हैं। पर पवन सिंह के साथ लड़ाई होगा, काहे को, कौन है मैं क्यों भाई, सब अपने परिवार के लोग हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है, बढ़िया है, बच्चे हैं, अच्छे हैं, थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।